नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिविर। मैं सत्यम साहिल। नसीर अहमद उर्फ लाल का क्षेत्र भ्रमण शुरू हो चुका है। अपने पहले क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के तौर पर बेलसंड विधानसभा के सुरगाही चौधरी मार्केट में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। एनडीए में सीटों को लेकर खींचातानी शुरू है, ऐसे में यह देखना बहुत ही अहम होगा कि बेलसंड सीट लोजपा के खाते में जाता है या जदयू के। लोजपा के उम्मीदवार नसीर अहमद लाल इस सीट से सेकेंड लीडिंग रहे हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुनीता सिंह चौहान को कड़ी टक्कर दिया था, तो इस हिस्सा से लोजपा का यह कोशिश होगा कि बेलसंड सीट भी लोजपा के खाते में ही जाए। अब देखना यह है कि ये लोजपा के खाते में जाती है या जदयू के खाते में जाती है। क्या आप पूर्व में भी दूसरे स्थान पर रहे, क्या इस बार बेलसंड आपके पार्टी के खाते में जा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है, अभी तो गठबंधन की बात है, लेकिन हम लोग पार्टी विजन की बात करते हैं, ठीक है। तो विजन में जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन है, उस स्लोगन में क्या क्या सब चीज़ जो आएंगे वो जन जन तक पहुँचाने का काम। और रहा सवाल की अभी जो विधानसभा की बात है, तो गठबंधन की मामलात है, गठबंधन में जैसा भी तय होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हम यहाँ पर उस वक्त जो है यहाँ के जो भी गठबंधन में जो विधायिका है श्रीमती सुनीता सिंह चौहान जी, तो उस वक्त उन्होंने महागठबंधन से इसमें रहने का काम किया, महागठबंधन में उनको समर्थन मिला, तो हम उस वक्त भी एनडीए से चुनाव लड़े थे, इस बार भी हम एनडीए के ही साथ हैं। तो उस वक्त के आलम में और अभी के आलम में अलग है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो भी 11 सीट पूरे बिहार में है, जहाँ पर 2,000, 3,000, 2,500 से लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की उस वक्त हार हुई थी, तो उसी हिसाब से हम लोग को बेलसंड भी आता है, तो बेलसंड भी प्रथम में है, जो कि सीट शेयरिंग समझौता में जैसे ही होगा तो बेलसंड फिर एनडीए के यानी लोजपा खाता में ही जाएंगे, क्योंकि उस वक्त सुनीता सिंह चौहान जी वह जो है ना महागठबंधन से विधायक बनी थी, वो एनडीए से नहीं थी। इसके लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहीं ना कहीं वो समर्पित है कि वो उस हिसाब से अपना वो तय कर लेंगे, और जो तय की जो सूची जो बढ़ाई गई है उसमें 11 जो विधानसभा जिसमें 2 भाजपा की है और उसके बाद 9 जो है जेडीयू का है, तो 9 में से एक बेलसंड भी आता है, तो बेलसंड पर बात लगभग बन चुकी हुई है और बेलसंड लोजपा खाता में ही जाएंगे और गठबंधन में ही रहेंगे। आपका पार्टी का क्या मुद्दा होगा यहाँ के लिए? पार्टी का मुद्दा तो आपने पूरा चैनल आपने देखा है, जो पार्टी का मुद्दा यह है कि हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, तो गरीब परिवार के लोग जो कहीं ना कहीं जो जिला में जा करके इलाज वगैरह कराते हैं, वहाँ पे वो जो व्यवस्था नहीं होती है वो व्यवस्था है। दूसरी बात है कि रोजगार में जो कमी बहुत सारे रोजगारों में कमी नहीं आई है, उस रोजगार को भरपाई करना, छात्र को जो अभी पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, छात्र को पढ़ने की कठिनाई होती है, उस कठिनाई को जो है दूर करने किया जाता है, तो इस हिसाब से उसमें कहीं भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए मुद्दा हमारे बहुत ही अच्छा चीज है, समझे कि बहुत अच्छा अच्छा मुद्दा है, नहीं उस मुद्दे को लेकर के हम लोग विजन के साथ साथ है। कोई भी गरीब जो है ना नहीं रहेगा, अच्छे हॉस्पिटल और पार्क और उसके बाद अच्छी अच्छी योजनाएं गरीबों के हित में जो है आएंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारी ही योजना भारत सरकार के मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, जो अभी सारी योजना बिहार सरकार की बंद है, लेकिन उनकी योजना जिस विभाग के मंत्री है वह चालू है, वह खदान चालू है, जो हर एक गरीब को यानी 5 किलो अनाज मिलते हैं, पहले उसमें 0.5 किलो कम पावर व डीलर की कमी है, समाज की कमी है कि वह पूरा नहीं ले पाते, तो वह योजना नवम्बर तक है। उम्मीद है कि अगर यही महामारी रहा तो उसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आपका लोकल मुद्दा क्या होगा? लोकल मुद्दा तो हमने बताया ही आपको, लोकल मुद्दा नहीं बताया, भ्रष्टाचार खत्म करना है, यहाँ चरमों सीमा पर है, उसके बाद जो भी गरीब समाज के बच्चा यानी चाहे वो पिछड़ा हो दलित हो, जब आगे वो बढ़ता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसकी कोई सुनी नहीं जाती है, उसके बाद यहाँ अफसरशाही चरमों सीमा पर है, तो ये सब एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आम इंसान तक ले जो लाभ सरकारी जो आती है ना वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो वो सही सलामत वहाँ पे पहुँचाना। कुलसो मत नाजे पुल का लंबे समय से मांग उठ रहा है, अगर आप आते हैं, अगर आपको विधायक बनने का मौका मिले तो उसके लिए आप क्या कीजिए? सबसे पहले वो काम होगा,
सबसे विजन देखिए, जो जनहित में जो काम है, जैसे जनहित के काम में हमने ग्राम पंचायत में किया कि जनहित का जो सबसे बेहतर काम है पहले उसी काम की प्राथमिकता दी जाए, तो हमने उसी काम का प्राथमिकता दिया है, उसमें अपना कैबिनेट होता है। तो इसी तरह बिहार सरकार में अगर राजनीति अगर ठीक ठाक, नीति ठीक ठाक होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वह बेहतर योजना ही करेंगे, उसमें गरीब के अनहित का कोई भी काम नहीं करेंगे।